आप सबको मेरा नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपने लंच का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज हम लंच में छोले बना रहे हैं। मैंने गैस पे कुकर रख दिया है और मैं छोलों को उबालने के लिए रख रही हूँ। मैंने छोलों को अच्छे से धो लिया था और फिर जिस पानी में मैंने सोक किया था वो पानी भी मैंने डाल दिया है। मैं डालती हूँ थोड़ा नमक। वैसे तो इसमें खड़े मसाले वगैरह भी डालते हैं लेकिन मैं सिर्फ तड़के में ही डालूंगी। अभी मैं इसमें नहीं डाल रही। अभी मैं इसमें नमक ही डाल रही हूँ। और आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कुकर को बंद करते हैं तो इसमें से जो विसल बजती है तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा पानी पानी सा निकलने लगता है। कई बार हो जाता है ऐसे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये जो कुकर की है इस जगह पे थोड़ा सा घी लगा दें यूं करके। तो जब हम कुकर को बंद करते हैं तो वो जो विसल होने से पहले या विसल होने के बाद जैसे ही कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो वो थोड़ा पानी पुनी सब बाहर आ जाता है तो पूरा मैस हो जाता है। तो इस तरह से आप करके रखें तो फिर कुकर से पानी बाहर नहीं आता, निकलता भी नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आज देखती हूँ छोले के साथ क्या बनाएंगे। पूड़ी बनाएंगे कि चावल बनाएंगे, जो मेरे हस्बैंड कहेंगे वही बनाएंगे। ओके, अब छोले बॉयल होंगे फिर उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो आपको बताती हूँ मैं तड़का किस तरह से छोलों का लगाती हूँ। देखिए, मैंने कुकर में ना सरसों का तेल डाल लिया है और सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह जला भी लिया है। ये देखिए, मैं तो सारा खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, चाहे सूखी सब्जी हो और चाहे तरी वाली सब्जी हो। हम रिफाइंड यूज नहीं करते, सरसों का तेल यूज करते हैं या फिर देसी घी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और ये तेज पत्ता और ये तीन चार लौंग इस तरीके से डाल रही हूँ। मैं ज्यादा मोटी इलायची वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज ना बाहर धूप बहुत तेज है, जरा गर्मी गर्मी सी लगने लगी आज ही। आज मैं कहा ज्यादा इसमें खड़े मसाले डाल दूंगी तो फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और मुझे फिर बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हीटिंग वगैरह की, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं डाल रही हूँ। आज जैसे मैंने मौसम देखा उसके हिसाब से ही बोल रही हूँ। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक प्याज सब वो मिक्सी के जार में पीस लिया है और टमाटर एक। वैसे तो मैं अपनी सब्जियों में टमाटर नहीं डालती हूँ लेकिन ये छोले हैं, छोलों में थोड़ा सा टमाटर अच्छा लगता है इसलिए डाल रही हूँ। छोटा ही था टमाटर, ज्यादा बड़ा नहीं था। राइस को मैंने सोक करके रख दिया है। हम छोलों के साथ आज चावल ही खाएंगे। बन रहे हैं जी छोले। आपको वहाँ बर्तन दिख रहे होंगे, अभी मेरी मेड काम करके गई है, अभी मैंने बर्तन लगाए नहीं है, टोकरे में ही रखे हैं। जब सूख जाएंगे तो बर्तन के स्टैंड में लगाऊंगी। और ये धीरे धीरे भून जाएगा। प्याज मेरा भून गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, ज्यादा नहीं। छोलों में मैं ज्यादा नहीं डालती हल्दी, बस थोड़ी सी। और मैं इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च जिसका तीखापन कम होता है वो डाल रही हूँ इस तरह से। पहले ना इसको ऑयल में डाल देने से ना इसका कलर अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको मैं टमाटर से पहले ही डाल देती हूँ इस तरीके से। अब इसमें मैं ये छोलों का ही थोड़ा सा बिल्कुल के पानी डाल दूंगी बस। छोलों का ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और मैंने एक ये हरी मिर्च स्लिट करके रख ली थी ये डाल रही हूँ। अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें ये
टमाटर डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया उसमें टमाटर। अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे। अब धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक ये घी रिलीज होता है। आप लोगों के घर भी कल में धूप काफी तेज थी, यहाँ कल भी काफी धूप तेज थी, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा तेज है। थोड़ी देर ही मैं धूप में बैठी तो फिर मैं अंदर आ गई, बैठा नहीं जा रहा था। लास्ट ईयर भी या मार्च लास्ट तक ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी, एसी भी चलने लग गए थे। इस साल का पता नहीं क्या होगा। अब ये धीमे धीमे भूनता रहेगा। ये देखिए मसाले ने पूरा अपना ऑयल रिलीज कर दिया है। देखिए कितना अच्छा मसाला भून गया है। अब मैं इसमें छोले डालती हूँ। पहले ना मैं सूखे सूखे छोले डालती हूँ, पानी नहीं डालती। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। और आंच को सिम करके कुकर को थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। सिम आंच पे छोलों के साथ मसाला थोड़ा और भुन जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें ये छोलों वाला ही पानी डालेंगे। देखिए भुन रहा है। चलिए अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखिए छोलों के साथ मसाला कितना अच्छे से भून रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आने लगा है। मैंने थोड़ी सी इमली गर्म पानी में भिगो के रखी थी। इस छोले में थोड़ी सी खटाई डाल दो तो अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इसमें छोले बॉईल करते हुए थोड़े से सूखे आंवले भी डाल देती हूँ। आज मैंने सूखे आंवले नहीं डाले, तो जो मैंने इमली सोक करके रखी थी तो थोड़ा सा इसमें मैं इमली का पानी डाल रही हूँ। देखिए ये छोलों का थोड़ा पानी डाल देते हैं। थोड़े से छोले इसमें रह गए थे। ये देखिए मैं छोलों का थोड़ा पानी डालती हूँ। देखती हूँ कितना चाहिए। चावल के साथ हमने खाना है तो थोड़ा पतला ही रखूंगी, मतलब थोड़ा तरी रखूंगी इसमें। पानी सारा थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। कई लोग इसमें कसूरी मेथी वगैरह भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन कसूरी मेथी वगैरह डालने से मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी काफी हैवी हो जाती है, तो मैं हरा धनिया डालना ज्यादा
मतलब डेली उसमें मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं इसे अब एक दो विसल बजा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये रल मिल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरफ कुकर में मेरे राइस भी रेडी हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं लंच करने। सी माय लंच प्लेटर, सिंपल एंड यमी छोले चावल एंड सैलेड। ओके बाय गाइस, मैं चली लंच करने।